a wonderful morning to all of you seventh class students i hope you all have done the previous work exercise 2.1 2.2 and the chapter first now today we start exercise 2.3 in the first question what they give you find the value of the following value given 24 divide 4 by 9 then how you uh, can solve this sum? Here they give you 24 divide 4 by 9. मैंने कल आपको एक वीडियो में समझाया था कि डिवीजन के जब भी हम डिवाइड करते हैं सपोज हमें कोई भी नंबर दे रखा होता है थ्री बाई टू लाइक दैट टू बाई वन इस तरह से अगर कोई नंबर दे रखा है तो हम यहाँ पे जो ये वाला सिंबल है उसको मल्टीप्लाई में चेंज करके और पीछे वाली वैल्यू क्या है हमारी रेसिप्रोकल हो जाती है तो सेम अप्लाई हम यहाँ करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फॉर्म में कन्वर्ट किया ट्वेंटी फोर बाय वन एंड देन डिवाइड बाय फोर बाय नाइन एक फोर बाय वन पैलेस ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई सिंबल एंड रेसिप्रोकल ऑफ दिस इज नाइन बाई फोर अगर यहाँ हमारी कोई वैल्यू कट होती है तो उसको हम कट कर देंगे फोर वन जा फोर फोर सिक्स जा ट्वेंटी फोर अब कुछ नहीं कट हो रहा है तो न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर मल्टीप्लाई सिक्स नाइन जा 54 and 1 1 1 so our 54 is the answer in the part B same method they give here here you write 4 by 1 and reciprocal of it is 1 by 4 then you can solve C part I understood you 48 divide by 5 and divide 8 by 35 then how we can write 48 by 5 मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल ऑफ दिस इज थर्टी फाइव बाई एट कैंसल आउट एट वन जा एट सिक्स जा फोर्टी एट फाइव सेवन जावन जा फोर्टी टू नेक्स्ट डी हेयर वी राइट वन बाई वन मल्टीप्लाई टेन बाय नाइन इसको सॉल्व कर लेना इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे इजीली एफ पार्ट है ये हमारा जो है किसकी तरह है सेम सी पार्ट की तरह देखो मैं आपको एक बार डी वाला बता देती हूँ मल्टीप्लाई टेन बाय नाइन टेन वन जावन बाई ट्वेंटी फोर बाय सेवन बाय एट फर्स्टली यू पुट द सिंबल पेलेस ऑफ बाय बिकॉज़ देयर इज दे गिव यू डिवाइड सिंबल वी राइट पेलेस ऑफ बाय एंड सेवन बाय एट And same method we using 11 by 24 multiply reciprocal 8 by 7. 8 1 ja 8 3 ja. Then 7 to 11 is not cancelled. So 11 1 ja 11 and 7 3 ja 21 is our answer. Here they give you in mixed fraction. Firstly converting to simple fraction and then we solve 9 5 ja 45 and 5 50. फिफ्टी बाई नाइन डिवाइड थ्री थ्री जै नाइन एंड वन टेन बाई थ्री एंड इसकी तरह से रेसिप्रोपल करके लास्ट वाले नंबर को और हम सोल्व कर लेंगे यहाँ हमें क्या दिया है फोर्टी फाइव बाई वन डिवाइड बाय फाइव वन जा फाइव एंड फोर नाइन बाई फाइव यू कैन आई होप यू कैन ईजिली सॉल्व दिज टू पार्ट्स एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस सम यू कैन ट्राई योर सेल्फ इन द पार्ट

1 into 1 by 15 is equal to 5, 3 ja, 15 and 1, 16 by 5. Symbol of division 15, vanja 15 and 1, 16 by 15. After do 16 by 5, palace of this multiply and reciprocal of 15 by 16. 16 to 16, 1 ja cancel, 5, 3 ja. So 3 is the answer. In the C part, 1 by 8 of a number equal to 2 by 7 divided by 1 by 35. ऑफ़ ऑफ़ नंबर, नंबर, नंबर नंबर सो लेट लेट हमने कोई number, कर लिया, X. उस का क्या है क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में उधर जाके एट बाय हो गया ठीक है तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी टेन एट जा 80. सिंप्लीफाई फाइव बाई टू डिवाइड बाई थ्री बाई फोर प्लस नाइन बाई सिक्स मल्टीप्लाई ट्वेल्व बाई थ्री येस वी कैन इजीली सॉल्व पेरेज ऑफ दिस वी राइट मल्टीप्लाई सिंबल फाइव बाई टू मल्टीप्लाई फोर बाय थ्री जो कैंसिल आउट होता है उसको कैंसिल कर देंगे आफ्टर दैट हमने इसमें जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल करके और सिंपल वैल्यू निकाल लेंगे हम सिक्स वन जा सिक्स टू जा थ्री वन जा थ्री थ्री जा सो so, थ्री टू जा सिक्स यहाँ हमने एलसीय लिया थ्री इंटू वन थ्री क्रॉस मल्टीप्लाई टेन वन जा टेन एंड सिक्स ये हमारा सिक्स थ्री जा एटीन एटीन यहाँ आ गया टेन एंड एटीन इज ट्वेंटी एट और अपॉन में क्या है थ्री इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे नाइन इंटू वन बाय थ्री इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ बी ऑफ दिस सेवन बाई नाइन डिवाइड बाई फाइव बाई थ्री प्लस सिक्स बाई फाइव डिवाइड एट बाई सेवन ऑफ फोर्टीन बाई थ्री देन फर्स्टली वी मल्टीप्लाई सिंबल बाय थ्री सेवन से फोर्टीन बाई थ्री में से फोर्टीन को कैंसिल कर दिया और एट टू जो सिक्सटीन बाई थ्री यहाँ से हमारा वैल्यू यूं यूँ आ गई अब पहले क्या है देखो सबको पता है कि जो हमारा बोर्डमास रूल होता है बोर्डमास में सबसे पहले ब्रैकेट तो हमने सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व की आफ्टर दैट हमने ऑफ सोल्व किया तो उसके बाद किसकी टर्न आ गई डिवीजन की तो डिवीजन सोल्व करेंगे पहले सॉफ़ डिवीजन मल्टीप्लाई सिंबल लगाया रेसी प्रोकल करके हमने सॉल्व कर दिया नाइन बाई फोर्टीन फाइव उसके बाद मल्टीप्लाई हमने सॉल्व कर लिया देन एडिशन रह गया अब एडिशन सॉल्व कर लेंगे फिफ्टीन और फोर्टीन का हमने एल सी एम लिया फाइव थ्री जा एट सॉरी फाइव थ्री जा फिफ्टीन एट जा वन ट्वेंटी वन ट्वेंटी एलसीएम आ गया है आफ्टर दैट वन ट्वेंटी हमने यहाँ लिख दिया तो ऊपर वैल्यू क्या थी हमारी सेवन प्लस नाइन यही थी ना अब फिफ्टीन की टेबल में देखा हमने वन ट्वेंटी कितने पे आता है एट जा पे तो सेवन की मल्टीप्लाई एट से होगी सिंबल प्लस है तो प्लस नाइन एज इट इज लिखा फोर्टी की टेबल में वन ट्वेंटी कितने पे आता है थ्री जा पे तो थ्री से मल्टीप्लाई हम करेंगे तो सेवन एट जा फिफ्टी सिक्स प्लस नाइन थ्री ट्वेंटी सेवन अपॉन में वन ट्वेंटी इन दोनों को ऐड किया तो एटी थ्री बाई वन टवेंटी इन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज फोर बाई नाइन इफ वन ऑफ देम इज़ वन इंटू सेवन बाई सेवनटीन फाइंड द अदर नंबर सो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दे गिव यू फोर बाय नाइन वन नंबर हमारे पास है वन इंटू सेवन बाई सेवनटीन तो यहाँ से नंबर सिंपली फॉर्म में हम क्या करेंगे सेवनटीन वन जाए सेवनटीन प्लस सेवन ट्वेंटी फोर बाय 17 तो अदर नंबर जब हम निकालेंगे तो ये किन्ही दो नंबर का वो है ना तो यहाँ पे वो जो दूसरा नंबर है हमने उसको a मान लिया a की मल्टीप्लाई दोनों नंबर की मल्टीप्लाई 4/9 है a की मल्टीप्लाई अगर हम इस नंबर से करते हैं तभी तो हमें ये वैल्यू मिलेगी यस और फिर इस नंबर को हम उठा के उधर लेके चले जाते हैं ये इधर मल्टीप्लाई में है उधर जाके डिवाइड में होगा तो हमने क्या किया डायरेक्ट पहले सेवनटीन को लेके गए सेवनटीन ऊपर जाएगा ट्वेंटी फोर नीचे आएगा क्यों क्योंकि देखो फोर बाई नाइन है ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई में है उधर जाएगी हमारी ये डिवाइड में इस तरह लिखी जाएगी तो क्यों ना हम डायरेक्टली इस तरह इसको मल्टीप्लाई का सिंबल करके रैसे प्रोकल कर दें मैंने यहाँ सेम ऐसे ही किया है फोर वन जा फोर सिक्स जा कैंसिल आउट होने के बाद हमारी ये वाली क्या है जो आंसर आ गया ठीक है नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स

7th sum total weight of 9 boxes of nails 49 into 1 by 2 kg. How much does each box weight are distributed equally in each box? Because, students, when you study in 6th class, I tell you one thing if you give more number value and you find least number value in that condition, we should do division. If they give you one number value, and you find more number values in that condition, you should multiply. So, you tell me in this question what we do multiply or divide? Students, I think you have remembered that thing. You should divide in this sum total weight of nine boxes of nails is they give you 49 into 1 by 2 kg. यस सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया है फोर्टी नाइन टू जै नाइन्टी एट एंड वन नाइन्टी नाइन बाई टू के जी देन ये कितना था नाइन बॉक्सेस का था अब हम क्या निकालेंगे वन बॉक्स ऑफ नील का वेट तो वन बॉक्स का निकालेंगे तो हम क्या करेंगे नाइन्टी नाइन बाई टू डिवाइड बाय नाइन अब नाइन सिंगल रह गया है डेनोमिनेटर वन मान लिया इसके पहले इस पर मल्टीप्लाई सिंबल एंड रेसिप्रोकल कर दिया हमने नाइन वन या नाइन इलेवन या नाइन्टी नाइन सो इलेवन बाई टू इसको हम मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे देन दे गिव यू आंसर स्टूडेंट्स नाउ द टर्न ऑफ क्वेश्चन नंबर एट इन द क्वेश्चन वट दे गिव यू इफ द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज रुपीज दिस हाउ मेनी नोटबुक्स कैन बी परचेज इन दीज रुपीज देखो कॉस्ट ऑफ नोटबुक एक नोटबुक की कॉस्ट दे रखी है और हमें ये बताना है कि इतने रुपीज में एक नोटबुक की कॉस्ट ये दे रखी है कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक और नंबर ऑफ नोटबुक कैन बी परचेज हमें बतानी कि इतने रुपीज़ में कितनी नोटबुक परचेज की जाएंगी तो हम क्या करेंगे इन रुपीज़ से हम जो वैल्यू दे रखी है ये वाली इसकी डिवीज़न कर देंगे तो टू नाइन ये वैल्यू क्या फाइंड हुई है हमारी यहाँ पे टू सेवन नाइन हुई है शायद यस टू सेवन नाइन को डिवाइड कर दिया हमने थर्टी वन बाई से और जो कैंसिल होता है कैंसिल दे गिव यू आंसर इन द नेक्स्ट सम बाय व्हाट नंबर शुड 6 into 2 टू बाई नाइन बी डिवाइडेड टू ऑप्टेन फोर 2 टू 3 थ्री किस नंबर से किस नंबर से हम सिक्स इंटू टू बाई नाइन को डिवाइड करें कि इस नंबर को हम ए से डिवाइड कर लेते हैं नंबर लेट हमने ए कर लिया हमने ए नंबर से डिवाइड करना है तो हमें क्या मिलता है फोर इंटू टू बाई थ्री सबसे पहले हम इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं सिक्स नाइन जब फिफ्टी फोर इंटू फिफ्टी सिक्स बाय नाइन डिवाइडेड बाई ए थी ये वैल्यू इधर ए थी ये इसको हम उठा के उधर ले जाते हैं और ये वैल्यू फिर इधर आके डिवाइड में हो जाती है फोर थ्री जैंड टू फोरटीन बाई थ्री अब इसको रेसिप्रोकल करके हम क्या करेंगे जो कटता है काट देंगे एंड वी गॉट द आंसर नाउ नेक्स्ट सम फाइंड द फ्रैक्शन विच वेन मल्टीप्लाइड विद थ्री बाय फोर गिव सिक्सटी सिक्स बाय सेवन की किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें थ्री बाय फोर को से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि हमें 66 7 चाहिए है तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी थ्री बाई फोर इधर है उधर जाके फोर बाई थ्री हो जाएगा कैंसिल होता है कैंसिल कर देंगे और फिर जो नंबर बच गए उनकी मल्टीप्लाई करके हम उसको सिंपल फ्रैक्शन में या फिर मिक्स फ्रैक्शन में आपका आंसर ये भी सही है और ये भी सही है आप दोनों में से किसी भी तरह से कर सकते हो स्टूडेंट्स नाउ टुडे वी हैव कम्पलीट द एक्सरसाइज टू पॉइंट थ्री आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस सम So, students, you can do this complete exercise in your FAIR notebook. And uh, writing should be neat and clean, students. So, stay home, stay safe, and do enjoy your study. Thank you.